हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों आज की जो लाइव क्लास है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, डीप मेडिटेशन। हेलो सभी को, गुड इवनिंग। हेलो जिन बच्चों को लाइव क्लास का लिंक मिल चुका है तो वो बच्चे जल्दी से आ जाएं क्लास में। कमेंट कर दे मुझे ताकि पता चल जाए कि आप लोग अब लाइव आ चुके हैं। तन्वीर राजपूत जी आ गए हैं, हेलो। तो आज का जो ये वीडियो है हमारा, इसमें हम बात करेंगे सिगरिया और शीतनाशल गुफाओं के बारे में। इससे पहले वाली जो हमारी क्लास थी तो इसमें हमने पढ़ा था अजंता की गुफाएँ, जोगीमारा गुफाएँ, बाघ गुफाएँ, बादामी गुफाएँ, और वो काफ़ी बड़ी क्लास हो चुकी थी उसमें, यानी 110 क्वेश्चन थे। ये जो क्लास है इसके अंदर सिगरिया और शीतनाशल, ये जो दो गुफाएं बची हुई थी इनसे रिलेटेड इसमें वीडियो में क्वेश्चन लेके आए हैं। तो ये थोड़ी छोटी क्लास होगी। उसके बाद जो अगली क्लास होगी जिसमें एलोरा व एलिफेंटा जो गुफाएं हैं मूर्तिकला की, उनके ऊपर लेके आएंगे क्लास। इसी प्रकार लाइव क्लास होगी, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। और ये वीडियो लास्ट तक पूरा देखिए, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं स्क्रीन पे जो कमेंट आ रहे हैं इसको मैं हाइड कर देता हूँ, मैं तो अदर मेरे पास दूसरा फ़ोन है उस पर देखूँगा आपके कमेंट। चलिए गुड इवनिंग सभी को। पहला क्वेश्चन देखिए, शीतनाशल गुफाएं किस राज्य के अंतर्गत आती है? शीतनाशल जो गुफाएं हैं किस राज्य के अंतर्गत आती है? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, साथ में आप कमेंट करते जाएँ किस राज्य के अंतर्गत आती है। डीप मेडिटेशन इन्होंने बुलाया है तमिलनाडु, ममता जी, तन्वी, सोनी सभी ने दिया है, डी ऑप्शन बता रहे हैं तमिलनाडु। देखिए शीतनाशल की जो गुफाएं हैं ये तमिलनाडु के अंतर्गत आती है दोस्तों, पादुकोटा नामक एक स्थान है वह उस जिले के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिगरिया की गुफा चित्रों को कहा जाता है? सिगरिया की गुफा चित्रों को क्या कहा जाता है? तो ये आपको बताना है, सिगरिया के गुफा चित्रों को कहा जाता है बताएं। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, तन्वी राजपूत जी बता रहे हैं सिंघल, तन्वी जी ने बताया है एक। देखिए ये गलत बता रहे हैं, ए ऑप्शन जो बच्चे बता रहे हैं ना इसका सिंघल, ये गलत बता रहे हैं आप। क्यों? देखिए जो श्रीलंका जो हमारा द्वीप है ना श्रीलंका, इस श्रीलंका को सिंहल द्वीप कहते हैं, अमर द्वीप कहते हैं, तामर द्वीप कहते हैं, ये इस श्रीलंका जो है इसके नाम है। बल्कि सिगरिया की जो गुफाएं हैं इसके अंदर जो चित्र बने हुए ना, इनको मेघ कन्या कहा जाता है। क्या कन्या कहा जाता है? मेघ कन्या कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आकाशचारिणी अप्सराओं के चित्र बने हैं, बादलों के अंदर महिलाओं के चित्र बने हुए हैं। क्या कहा जाता है? मेघ कन्या कहा जाता है। तन्वी राजपूत जी बता रहे हैं मेघ कन्या, हाँ जी अब की बार आपने सही बताया है मेघ कन्या। सिंहल जो है ना ये श्रीलंका द्वीप को कहा जाता है, सिंहल द्वीप, तामर नगरी, अमर द्वीप है ना, उसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिगरिया गुफाओं के चित्रों की प्रतिलिपियाँ कब बनाई गई? सिगरिया गुफाओं के चित्रों की प्रतिलिपियाँ कब बनाई गई आपको बताना है, बताइए। दीपमाला जी ऑप्शन सी बता रहे हैं, सी में दे रखा है 1879, बताइए। 1835 बता रहा है, कोई बता रहा है 1879, कोई बता रहा है, देखिए सभी अलग अलग बता रहे हैं। सिगरिया गुफा देखिए 1835 से ये गुफा की खोज हुई थी बादामी की, मैंने कल आपको बताया था। तन्वी जी बता रहे हैं मूरे ने, बिल्कुल मूरे ने, बट 1879 नहीं होगा यहाँ पे। चलिए बताइए जल्दी बताइए, तीसरे का सी। ममता जी बता रहे हैं 1889 दूसरा ऑप्शन बताए हैं, बिल्कुल सही 1889।
जो बच्चे बता रहे हैं ना 1879, ये सही नहीं है। यहाँ पे जो राइट आंसर क्या हो जाएगा 1889, दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। काफ़ी बच्चों ने बताया 1879, 1835, ये सही नहीं है बिल्कुल। ये क्या हो जाएगा 1889। देखिए ये बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ममता जी 10-15 पर भी क्लास है क्या? ममता जी बिल्कुल इसके बाद भी क्लास है, कलाकारों की क्लास होगी तो आप देख सकते हैं। 10 बजे क्लास का टाइम दिया गया है, लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। बच्चे बोले सर साफ दिखाई नहीं दे, देखिए यहाँ पे जो है ना इस साइड में स्क्रीन पे आपके यूट्यूब पे क्लिक करोगे यहाँ पे स्क्रीन पे, तो यहाँ पे 3 डॉट बने हुए आएंगे, ऐसे है ना 3 डॉट बने हुए आएंगे, इस पर क्लिक करके वीडियो का फटाफट ऑप्शन बी बता रहे हैं। दोस्तों नेटवर्क का वो इश्यू हो गया था बीच में, इसलिए क्लास हमारी रुक चुकी थी, तो शायद अभी क्लास है वो स्टार्ट होगी। आप एक बार कमेंट कर दीजिए, मुझे पता चल जाएगा क्लास। तन्वी जी बोले मेरा नेट, तन्वी जी आपका नेट ख़त्म नहीं है, यहाँ से प्रॉब्लम हो गई थी, टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, तो इस वजह से है ना वो क्लास बीच में स्टॉप हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, शीतनवासल की गुफाएँ किस जिले के अंतर्गत आती है? शीतनवासल की जो गुफाएँ हैं वो किस जिले के अंतर्गत आती हैं दोस्तों? तो यहाँ पे जो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पादुकोटा नामक जिले के अंतर्गत आएगी। इसमें पादुकोटा जो तमिलनाडु के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन देखिए, शीतनवासल में चित्रों के ज़्यादातर चेहरे अंकित किए गए हैं। दोस्तों शीतनवासल की जो गुफाएं हैं ना, इसमें जो चित्राकृतियाँ बनाई गई है उन ज़्यादातर चेहरे किस प्रकार के बनाए गए हैं? 1 चशम, 2 चशम, 2.25 चशम या 2.25 चशम? तो यहाँ पे जो राइट हो जाएगा 2.25 चशम चेहरे ना वो बनाए गए हैं, सी ऑप्शन। तनी जी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, सिगरिया गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियाँ किसने बनाई? सिगरिया गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियाँ किसने बनाई थी? तो ये आपको बताना है। अभी मैंने आपको बताया था इसकी जो प्रतिलिपियाँ वो कब बनी थी, 1889 में बनी थी, और ये किसने बनाई थी? तो ए मूर्य ने बनाई थी। किसने? ए मूर्य ने, चौथा ऑप्शन। ममता जी बिल्कुल सही, नितिन जी, सोनी, रोहित कुमार बिल्कुल सही बताया आप सभी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शीतनवासल गुफा का निर्माण काल क्या है? शीतनवासल जो गुफा है इसका निर्माण काल क्या है, यानी इसका टाइम पीरियड बताना है क्या है दोस्तों? तो शीतनवासल गुफा का निर्माण काल है 600 ईस्वी से 650 ईस्वी के मध्य में, 600 से 650 ईस्वी मध्य में, यानी कि जो दूसरा ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हेलो सर आज मेरी फर्स्ट क्लास है, निदा इमरान जी, मोस्ट वेलकम आपका इस हमारी क्लास में। शीतनवासल शब्द का अर्थ है, शीतनवासल शब्द का अर्थ है ये आपको बताना है। देखिए शीतनवासल जो शब्द है ना इसका अर्थ क्या है, बी ऑप्शन बता रहे हैं बौद्ध निवास, कई बच्चे बता रहे हैं सी संतों का निवास। यहाँ पे देखिए नितिन सैनी जी ने बताया है तीसरा ऑप्शन, इंदा इमरान जी तीसरा ऑप्शन बताया है, तन्वी जी संतों का निवास, बिल्कुल सही संतों का निवास। देखिए सबसे प्राचीन जो गुफा है वो जोगीमारा मानी जाती है ना, भित्ति चित्रों को लेकर के अगर बात करते हैं सबसे प्राचीन गुफा तो कौन सी होती है, जोगीमारा। किसी ने क्वेश्चन किया है तो संतों का निवास, यानी यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नृत्य करती अप्सराओं के चित्र हमें देखने को मिलते हैं, नृत्य करती अप्सराओं के जो चित्र हैं वो हमें कहाँ से देखने को मिलते हैं बताना है आपको। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा शीतनवासल गुफा, नृत्य करती जो अप्सराओं के चित्र है ना वो हमें शीतनवासल गुफा में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे चौथा जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ममता जी तीसरा ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा चौथा ऑप्शन। वर्षा दुबे, राधा भाट, निदा इमरान, रोहित, प्रिया, शशि वर्मा जी, वर्षा दुबे जी, ममता जी, तन्वीर, नितिन सैनी, सुशील कुमार, बिल्कुल सही बताया सभी ने, डी ऑप्शन शीतनवासल। अगला क्वेश्चन देखिए, शीतनवासल गुफा के भित्ति चित्रों की खोज का श्रेय किसे जाता है? शीतनवासल गुफा के अंदर जो भित्ति चित्र है उनकी खोज करने का जो श्रेय है वो किसे जाता है ये आपको बताना है। तो किसे जाता है, टी एस गोपीनाथ, किसको दिया जाता है, टी एस गोपीनाथ को।
अगला क्वेश्चन देखिए, चित्रों को किस काल के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माने जाते हैं? चित्रांचल गुफा के जो चित्र हैं उनको किस काल के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माने जाते हैं? चार ऑप्शन आपके देने में देश के, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? पल्लव काल के। किस काल के माने जाते हैं? पल्लव काल के। अगला क्वेश्चन देखिए, सिगरिया में वर्तमान में कुल कितनी गुफाओं में चित्र मिलते हैं? सिगरिया की जो गुफाएं हैं दोस्तों श्रीलंका में, तो इसमें वर्तमान में कुल कितने गुफाओं में चित्र मिलते हैं? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वर्तमान में दो गुफाओं में चित्र मिलते हैं। कितने में? दो। सी ऑप्शन सोनी जी, ममता, तन्वी, शिवांगी, प्रिया, वर्षा दुबे, सुशील कुमार, तनुन्या, सोनी पांडे, नितिन सैनी, रोहित कुमार। बिल्कुल सही बताया सभी ने। शशि वर्मा बिल्कुल सही बताए हैं, दो में। सिगरिया में वर्तमान में कुल कितनी गुफाओं में चित्र मिलते हैं? दो गुफाओं में। अगला क्वेश्चन देखिए, सिगरिया की गुफाओं में चित्रों का निर्माण किस विधि से हुआ है? सिगरिया जो गुफाएं हैं इसमें चित्रों का निर्माण हुआ है वो किस विधि से हुआ है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रेंस को बुनो। किस विधि से हुआ है? फ्रेंस को बुनो। देखो फ्रेंस को की दो विधियाँ होती है, एक होती है फ्रेंस को सेको और एक होती है फ्रेंस को बुनो। फ्रेंस को सेको जो होती है ये सूखी ज्वार पे की जाती है, और ये फ्रेंस को बुनो ये ताज़ा पलस्तर पर यानी गीली ज्वार पे की जाती है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आकाश चारिणी अप्सराओं के चित्र किस गुफा में मिलते हैं? आकाश चारिणी अप्सराएं यानी बादलों में जो अप्सराओं के जो चित्र हैं वो किस गुफा में मिलते हैं दोस्तों? तो मैंने अभी आपको बताया था मेघ कन्या जिनको कहा जाता है, यानी बादलों की जो कन्या है अप्सराएं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिगरिया दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिगरिया गुफाओं का निर्माण किसने करवाया? सिगरिया की जो गुफाएं हैं इनका निर्माण किसने करवाया था? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, राजा नरसिंह राव, राजा जगदीप, राजा कल्याण सिंह और राजा कश्यप। तो सिगरिया गुफाओं का जो निर्माण है ना वो किसने करवाया था? राजा कश्यप ने करवाया था। चौथा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, राजा कश्यप। अगला क्वेश्चन देखिए, शीतनवासल में कुल कितनी गुफाएं मिलती है? शीतनवासल में कुल कितनी गुफाएं मिलती है? तो ये आपको बताना है, चार गुफाएं मिलती है। कितनी? प्रिया जी बिल्कुल सही, कितनी गुफाएं मिलती हैं? चार गुफाएं मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतनवासल गुफाओं की खोज कब हुई? शीतनवासल जो गुफाएं हैं इनकी खोज कब हुई थी ये आपको बताना है। तो शीतनवासल गुफाओं की जो खोज है वो कब हुई थी? 1984 में हुई थी। कब हुई थी? 1984 में हुई थी। तीसरे ऑप्शन इनका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 600 फीट ऊंचे शैलखंड सुस्ताते हुए सिंह के समान दिखाई देती है, यानी 600 फीट ऊंचा एक शैलखंड है यानी एक पहाड़ी है, एक चोटी है, वो सुस्ताते हुए शेर यानी अंगड़ाई लेते हुए जो शेर के समान है वो दिखाई देती है, तो वो कौन सी है जगह ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, सिगरिया की जो गुफाएं हैं ना श्रीलंका में वो क्या है, दूर से देखोगे ना एक शेर है वो अंगड़ाई ले रहा है, इस प्रकार है प्रदर्शित होती है। सिगरिया गुफाओं का निर्माण कब हुआ ये आपको बताना है। सिगरिया की जो गुफाएं हैं श्रीलंका में इसका निर्माण कब हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, सिगरिया गुफाओं का निर्माण हुआ था चौथी शताब्दी में। कब हुआ था? चौथी शताब्दी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, सिगरिया गुफाओं की खोज कब हुई थी? सिगरिया की जो गुफाएं हैं इनकी खोज कब हुई थी आपको बताना है। राधा जी बता रहे हैं 1830, बाल मुकुंद जी बता रहे हैं 1875, राधा भाट जी बता रहे हैं 1830। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाना, सिगरिया की गुफाओं की जो खोज है ना वो हुई थी 1830 में। यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सिगरिया गुफाओं की खोज किसने की आपको बताना है। सिगरिया गुफाओं की जो खोज है ना वो किसने की थी? मेजर फॉर्मर्स ने। किसने की थी? सिगरिया गुफाओं की जो खोज है वो 1830 में मेजर फॉर्मर्स ने की थी। कब की थी? 1830 में की थी। इससे पहला वाला जो क्वेश्चन है वो आपको मैंने बताया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सिगरिया में कुल कितनी गुफाएं खोजी गई? सिगरिया के अंदर है वो कुल कितनी गुफाएं खोजी गई है दोस्तों? सिगरिया की गुफाएं श्रीलंका में जिसमें कितनी गुफाएं खोजी गई हैं? कुल छः गुफाएं खोजी गई। कितनी? छः गुफाएं। सिगरिया गुफाएं किस धर्म से संबंधित है ये बताना है आपको। सिगरिया की जो गुफाएं हैं ना वो किस धर्म से संबंधित हैं? तो
तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित, क्योंकि श्रीलंका जो है आपको पता होगा बौद्ध धर्म से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पर सम्राट जो अशोक हुए थे मौर्यकालीन प्रसिद्ध शासक थे, इन्होंने अपनी जो पुत्री संघमित्रा और जामिल को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। उन्होंने श्रीलंका में जगह जगह प्रचार प्रसार किया और दोस्तों श्रीलंका में बौद्ध धर्म अपना लिया था श्रीलंका वालों ने। तो यहाँ पर बौद्ध धर्म जो है श्रीलंका के अंदर सिगरी गुफाएं, तो किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। दोस्तों ये जो क्लास कराने का उद्देश्य मेरा ये है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करवाना। आपने देखो बहुत कम समय है आपके पास, तो आपने थ्योरी तो पढ़ चुके होंगे, तो ये जो है आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए थ्योरी पढ़ रखी है, आपको पता चल जाता है कि आपने तैयारी कितनी कर रखी है। चलिए क्या हुआ, सॉरी मेरे पास में जो है डिस्टर्ब कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट है ना वो ऑफलाइन पढ़ने के लिए आ जाते पास, इसी समय कुछ एक दो स्टूडेंट है जो मेरे पास बैठे हुए रूम पे, तो थोड़ा सा बीच में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सिगरिया गुफा में स्त्रियों के कुल कितने चित्र, उसके अंदर कुल कितने चित्र अंकित किए गए हैं? कितने चित्र अंकित किए गए हैं? 21। कितने हैं? 21। चौथा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिगरिया की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? सिगरिया की जो गुफाएं हैं वो कहाँ स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका में, चौथा ऑप्शन। सिगरिया की जो गुफाएं हैं वो कहाँ स्थित हैं? श्रीलंका में। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शीतल गुफाओं में चित्र किस धर्मशैली से संबंध रखते हैं? शीतनवासल जो गुफाएं हैं उसमें चित्र हैं वो किस धर्मशैली से संबंध रखते हैं? तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शीतनवासल की जो गुफाएं हैं ना तमिलनाडु में पादुकोटा स्थान पे, तो वो जैन धर्म से संबंधित है, और सिगरिया की जो गुफाएं श्रीलंका में है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये आपको ध्यान में रखना है। अर्धनारीश्वर का चित्र किस गुफा में चित्रित है? अर्धनारीश्वर का जो चित्र है वो किस गुफा में चित्रित है? अर्धनारीश्वर का चित्र है दोस्तों वो शीतनवासल गुफा में, किसमें है? शीतनवासल गुफा में चित्रित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आप बताओगे कि निम्नलिखित में से कौन सी गुफा है जो अजंता गुफा के समान, यानी अजंता गुफा के साथ तुलना कर सकते हैं, उसकी अजंता गुफा के समान है, कौन सी गुफा, ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा है जो अजंता गुफा के समान है? तो आपको बताना है, जल्दी बताइए, कमेंट करें फास्ट। ममता जी बता रहे हैं सिगरिया, तन्मय जी बता रहे हैं सिगरिया, अच्छा जी राधा भाट, शांति तिवाड़ी, शशि वर्मा, निदा इमरान, रजनी वर्मा, शशि वर्मा, तन्वी जी, सभी ने बिल्कुल सही बताया, तीसरा ऑप्शन बता रहे हैं सब जी, सिगरिया की गुफाएं। तो बिल्कुल सही बताया आपने, अजंता गुफा के समान कौन सी है? सिगरिया की गुफाएं। स्टीन ओ मिशेन, इन्होंने तीन तीन काफ़ी बार टाइप किया ताकि इनका नाम छुड़े नहीं, तो नाम इतना बड़ा लिख रखा है, मैं नाम लूँ तो कैसे लूँ भाई। जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियाँ किस गुफा में मिलती हैं? जैन चित्रकला की आरंभिक जो मूर्तियाँ हैं वो किस गुफा में मिलती हैं हमें? तो यहाँ पे जो राइट आंसर वो हमारा हो जाएगा शीतनवासल में, क्योंकि शीतनवासल जो गुफाएँ हैं वो जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शीतनवासल गुफाएँ किस नदी के किनारे स्थित हैं? शीतनवासल गुफाएं हैं जो किस नदी के किनारे है? तन्वी जी को बहुत हंसी आ रही है, तन्वी जी किस बात पे हंसी आ रही है? शीतनवासल गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित है आपको बताना है। बिल्कुल सही, तीसरा ऑप्शन बताया तन्वी जी, बिल्कुल तिवाड़ी जी, वर्मा, नीतू, राधा भट्ट, गजेंद्र सिंह, रजनी वर्मा, अनिल कुमार, संजय, बिल्कुल सही बताया सभी ने। क्या बताया है? कृष्णा नदी, बिल्कुल सही। शीतनवासल की जो गुफाएं हैं ना वो किस नदी के किनारे हैं? कृष्णा नदी के किनारे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सरोवर में कमल चित्रण कहाँ मिलता है? सरोवर में कमल जो चित्रण है वो हमें कहाँ से मिलता है? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इसका आप बताएंगे, जल्दी से बताएं। सरोवर में कमल कावेरी नदी नहीं है, कुछ बच्चे कावेरी बता रहे हैं पीछे वाले क्वेश्चन का, देखिए मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर से,
ये पीछे वाला जो क्वेश्चन था इसमें आपने मुझे शीतलवासल गुफाएं किस नदी के किनारे है, तो इसमें कावेरी नहीं है, कृष्णा होगा, तो ये कावेरी बिल्कुल नहीं होगा। सरोवर में कमल जो चित्रण है इसका बताया सभी ने, चौथा ऑप्शन बता रहे हैं शीतलवासल, जो कि बिल्कुल सही बता रहे हैं यहाँ पे सभी, चौथा ऑप्शन। सरोवर में कमल जो चित्रण है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौथा शीतलवासल। ठीक है दोस्तों, तो ये था इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और कल की जो क्लास होगी वो 9:10 पर स्टार्ट कर देंगे, जिसमें एलोरा और एलिफेंटा गुफाएं हैं वो करवाएंगे दोस्तों अच्छे से। कल की क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े हैं, और अपने दोस्तों को भी बताएं इस क्लास के बारे में कि इस समय लाइव होती है, और अपने जो 8 ग्रुप बने उनमें शेयर कर दिया करो। और एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो बच्चे आधुनिक कला के, मैं यहाँ पे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दे दूंगा, आधुनिक कला के 1000 क्वेश्चन, आधुनिक कला के सॉरी 1001 क्वेश्चनों की एक सीरीज़ है, जो आपको एक हार्ड कॉपी के रूप में मिलेगी। कैसे हार्ड कॉपी रूप में, यानी जो पेज है उसकी बाइंडिंग करवाई बुक अगर आप घर पे उपलब्ध करना चाहते हैं, जिसको चाहिए आधुनिक कला की, उसमें सारे क्वेश्चन होंगे, 1001 क्वेश्चन होंगे, जिसमें करंट के भी क्वेश्चन होंगे, करंट के कलाकारों के भी क्वेश्चन होंगे। अगर किसी को चाहिए तो बुक करवा सकता है, 4-5 दिनों में आपके लिए उपलब्ध करवा दी जाएगी वो बुक। जो भी बच्चा चाहता है इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और वहाँ से जाके मुझे संपर्क करें और आपको बता दी जाएगी सारी जानकारी। ठीक है दोस्तों, और आप में से अभी तक जो बच्चे बोले हैं सर आज मेरा पहला क्लास का पहला दिन है, तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। निदा इमरान जी बिल्कुल मोस्ट वेलकम, आपका धन्यवाद। आपको सेकंड चैनल का पता आज ही चला, बिल्कुल मेरे दो चैनल है, एक स्टडी इन मोबाइल, दूसरा ये चैनल है। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, बढ़ावा दें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। कल का जो टॉपिक है मैं बता देता हूँ, एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएँ रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, गुड नाइट।